यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है टॉपिकल स्टडी प्रकाशित वाक्य से संबंधित जो टॉपिक हैं कि जब हम वो विस्तार से जब इनका अध्ययन करें तो ये बातें हमसे अपरिचित नहीं रहे, और हम इनको अभी डिटेल में इसीलिए देख रहे हैं कि हमें प्रभु के वचन का ज्ञान हो जाए, कि जब प्रभु आए हम अपने आप को प्रभु के सामने रख पाए। और आज का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो है जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक, और जीवन की पुस्तक का प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय और 15वीं आयत में हमने देखा ही, और मैं एक बार फिर से आपके लिए ये आयत पढ़ना चाहता हूं। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। कैसे इस जीवन की पुस्तक का इतना महत्वपूर्ण स्थान। निर्गमन की पुस्तक में देखें तो मूसा को इसका ज्ञान है। 32वां अध्याय और 30 आयत से आगे का हिस्सा, जब इसराइलियों ने पाप किया तो मूसा ने कहा प्रभु इनके पाप क्षमा कर, अन्यथा तेरी पुस्तक में से मेरा नाम काट डाल। प्रभु ने कहा नहीं मूसा, मैं तेरा नाम नहीं, मैं इन लोगों का जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया इनका नाम काट डालूंगा। लिखने के बाद परमेश्वर बोलते हैं कि मैं इनका नाम काट डालूंगा। मलाकी की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक, फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 70 चेलों को भेजा उन्हें अधिकार दिया कि दुष्ट आत्माओं को निकालें, चंगा करें लोगों को, और बहुत सारी चीजें। वे जब 70 लोग वापस आए प्रभु को बताया कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है और लोग चंगे हो रहे हैं, प्रभु ने कहा इस बात से खुश मत हो, वरन इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। फिर पौलुस ने कहा और प्रकाशित वाक्य में खुलकर इसका बयान कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। सो दोस्तों, ये है वो जीवन की पुस्तक। और इस विषय में बाइबल, दोस्तों जैसा मैंने कहा कि जीवन की पुस्तक अर्थात परमेश्वर का वो रजिस्टर जिसमें परमेश्वर के लोगों के नाम लिखे गए, वे जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है वे लोग, और इसका ज्ञान नए नियम में नहीं, इसका ज्ञान प्रकाशित वाक्य में नहीं, इसका ज्ञान पहले से। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो है मैं तुम्हारा नाम सारे स्वर दूतों के सामने मान लूंगा। भजनकार कहता है कि जो दुष्ट है उनका नाम जीवन की पुस्तक से निकाला जाएगा। लिखने के बाद दानियल नबी की पुस्तक में वो ये लुका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 20वीं आयत में वे 70 लोग 70 चेले प्रभु के पास आए। सो प्रभु ने कहा कि जो कुछ जो है तुम करते हो तुम्हारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में है। और फिलिपियुस की पत्री प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय 5वीं आयत में भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं निकालूंगा और तुम्हारा नाम वही रहेगा। और 20वां अध्याय 15वीं आयत में हमने देखा कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वो आग की झील में डाला गया।
वो आग की झील में डाला गया और प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया को बोलते हैं कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं मैं उनका नाम वहां से नहीं काटूंगा। मतलब दोस्तों एक और चीज है कि परमेश्वर उन लोगों के नाम निकाल सकता है जो परमेश्वर में आने के बाद विश्वास योग्यता में नहीं बने रह पाए, जैसा इजराइलियों के साथ में हुआ, जैसा कई और लोगों के साथ में हुआ। परमेश्वर न्याय परमेश्वर, परमेश्वर न्याय परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में जो है लिखा हुआ है या नहीं। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है तो वे उस दुष्ट की आराधना करेंगे जिसके नाम परमेश्वर की पुस्तक में नहीं, वे शैतान के कहलाएंगे, वे शैतान के कहलाएंगे। और प्रभु बोलता है कि ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, ऐसों को प्रभु ने जो है निकाला। और मूसा के विषय में हमने देखा, मलाकी की पुस्तक में जो है प्रभु बोलता है कि हर व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है उसके नाम प्रभु अपने पुस्तक में लिख लेते हैं, प्रभु उनके नाम अपने पुस्तक में लिख लेते हैं। इब्रानियों की पत्री, दानियेल नबी की पुस्तक, फिलिपियों की पत्री, और हम अपना नाम इसमें चाहते हैं। तो सीधा सा जैसा मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ, परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मेरा प्रभु बन जा, मेरा प्रभु बन जा, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं। और दोस्तों प्रभु आपको अपने इस स्वर्ग में लेगा, प्रभु आपको अपने स्वर्ग में लेगा और आप प्रभु के साथ बने रहेंगे और प्रभु सारे स्वर्गदूतों के सामने आपका नाम स्वीकारेगा कि हाँ ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी जिसने पृथ्वी पर मुझे स्वीकार करा, मैं उसे उन अनगिनत स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। और दोस्तों इस रीति से हम अपना नाम जो है परमेश्वर के पुस्तक में लिखा सकते हैं और जो परमेश्वर के विरुद्ध होंगे परमेश्वर उनके उनके नाम को निकाल देगा, उनके नाम को तो निकाल देगा। जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता खो देंगे परमेश्वर उनके नाम को भी नहीं लिखेगा। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, हम परमेश्वर को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और आपका नाम इस जीवन के पुस्तक में दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के सामने जो है ये नाम लिया जाएगा और जिनका नाम लिखा है वो अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहे, प्रभु उनका नाम कभी भी इस जीवन की पुस्तक से नहीं काटेगा। और हजारों लोग, करोड़ों लोग, सैकड़ों, अनगिनत लोग इस जो है उसमें शामिल है दोस्तों, आप भी इसमें आ सकते हैं, आपका नाम भी प्रभु लिखेगा, आप प्रभु को ग्रहण करेंगे। जैसे जब किसी बच्चे का जो अस्पताल में पैदा होता है तो आज के जमाने में तो वो टैग लगा दिए जाते हैं माता और बच्चे के हाथों में, पांव में, लेकिन पुराने समय में माँ के और बच्चे के हाथ या पांव के चिन्ह वो रजिस्टर में लिए जाते थे। वैसे इस रजिस्टर में आपका भी नाम, इस रजिस्टर में आपका भी नाम, परमेश्वर के रजिस्टर में आपका नाम। और जब पुस्तक के खोली गई और जीवन की पुस्तक भी खोली गई, जिस किसी का नाम उसमें लिखा हुआ न मिला
वो आग की झील में डाला गया, और जिस किसी का नाम मिला वो अनंत जीवन के लिए। तो कैसे अपना नाम लिखा सकते हैं? मैंने साधारण भाषा में बताया, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें, बुलाएं कि मेरे पाप धोने के लिए मेरे अंदर आ जाए, मुझे नजात दें, मुझे मोक्ष दें, मुझे उद्धार दें। प्रभु आपके जीवन में आएगा और आपके नाम को इस पुस्तक में लिखेगा। इस पुस्तक में स्वर्गदूतों के सामने उस अंत के न्याय के दिन ये जो है मान लिया जाएगा कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आप प्रभु यीशु मसीह से उत्पन्न हुए, आपका नाम जीवन की पुस्तक, आपका नाम जीवन की पुस्तक। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया, वो आग की झील में डाला गया। ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। सो दोस्तों, लिखें, परमेश्वर को आमंत्रित करें इसके पहले कि आपकी मृत्यु हो जाए, इसके पहले कि संसार का अंत आरंभ हो जाए, आपको लगे कि इससे बड़ा धोखा नहीं हो जाएगा, इसके पहले कि अफसोस हो, आप प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। और प्रभु ऐसा करने में हम सबकी सहायता मदद करें। आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु हमारे मार्ग जो है नरक की ओर जा रहे थे, हमें एक मार्ग दिखाई देता था और वो लगता था वो सही है, लेकिन वास्तव में उसका अंत मृत्यु था। और प्रभु आपने हमें वहां से बचाया, आपने हमें वहां से निकाल करके अपने राज्य में प्रवेश कराया और हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा। और आज भी आपकी पुस्तक खुली हुई है उन सब के लिए जो ईमानदारी से आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करना चाहते। प्रभु सहायता करें, मदद करें, आपके लोगों के अंदर आए जो ईमानदारी और सच्चाई से आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं। प्रभु उनको इस बात का एहसास दें, उनको मोक्ष का, नजात का एहसास दें। सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस बिनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.